ये तो हम सब जानते हैं कि आंवला हमारी सेहत के लिए कितना लाभदायक होता है। तो आज हम कच्चे आंवले और पुदीने की बहुत ही टेस्टी और आसान सी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा और आप सभी का रेसिपी अड्डा बाय मेघा पर स्वागत है। तो चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते हैं और फटाफट से आज की रेसिपी को देख लेते हैं। तो आंवला और पुदीना की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये दो आंवले ले लिए हैं। आंवले को अच्छे से मैंने पानी से धो लिया है, साफ कर लिया है अच्छे से। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से आंवले के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसके अंदर से जो बीज निकलता है उसे हम हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने ये दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को भी हम अच्छे से इसी तरह से रफली काट लेंगे। इसके बाद हम बड़ा वाला मिक्सी का जार लेंगे और उसमें जो हमने आंवला काट के रखा था उसे डाल देंगे। प्याज जो हमने रफली काट के रखे थे उन्हें भी डाल देंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 1 इंच जितना छीला हुआ अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च, 2 छीली हुई लहसुन की कलियां, थोड़ा सा पुदीना और जितना पुदीना लिया है उससे थोड़ा ज़्यादा हरा धनिया, आधी छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3/4 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप नींबू की प्लेस पे आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी डालेंगे और इसके बाद इसको हल्का दरदरा पीस के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चटनी को अच्छे से पीस के तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये जो चटनी है आंवले और पुदीना की, ये बन के तैयार है और यकीन मानिए काफ़ी टेस्टी लगती है, फटाफट बन भी जाती है। आप इस चटनी को रोटी, पूरी, पराठे, राइस किसी के भी साथ खा सकते हैं, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर दें ताकि आने वाले हर फ्यूचर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।